सुगाई जी यहाँ पे बोले कि यहाँ पे बोले जब भी फेस को स्मूथ करने जाते होंगे तो सही से बताइएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे आ ही जाता होगा। सबसे आसान तरीका डिस्क भी बताने वाला है, तो वीडियो को लाइक नहीं फॉलो लाइक कर दीजिएगा। एंड जो लोग यूट्यूब पे बताते हैं ना भाई, सबसे हटके बताएंगे इन सबसे आसान तरीका, एंड वन क्लिक में बताएंगे भाई कितना भी ज्यादा आप लोग का फेस काला हो ब्लैक हो कैसे आप लोग आर्टिस्ट भाई के साथ ठीक करेंगे, यानी मतलब फुल एचडी हाई क्वालिटी एचडीआर स्मूथ यूज करेंगे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग को मैं कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसे कि बिफोर फोटो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा खराब है, एंड उसी फोटो को मैं बनाया हूँ तो कितना ज्यादा धांसू लग रहा है हम लोग का फोटो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ओरिजिनल फोटो को सबसे पहले आप लोग को कहाँ पे शेयर करना होगा, सबसे पहले जहाँ पे मैं शेयर करूंगा सिर्फ वहीं पे आप लोग को शेयर कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड शेयर कर लेता हूँ PicsArt मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोग PicsArt मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे तो आप लोग का फोटो का क्वालिटी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा, एंड फोटो को आप लोग को रिसाइज करना रहता है तो यहाँ से मैं सबसे पहले रिसाइज कर लेता हूँ। 4 रंग कोई सा भी अप्लाई करेंगे, 28 28, ठीक है। तो यहाँ से 28 28 में अप्लाई किया तो यहाँ पे हम लोग का फोटो रिसाइज हो जाएगा, ओके मेरी जान। सो दोस्तों, इतना करना, सिंपली आप लोग को चले जाना होगा यहाँ पे टूल्स वाला आइकन पे, एडजस्ट पे क्लिक कर देना होगा, सेचुरेशन पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन आप लोग को 100 माइनस करके ऊपर आप लोग को मिल जाएगा इरेजर वाला ऑप्शन, उस पर आप लोग चले जाइएगा, एंड सिंपली आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके मेरी जान। सॉरी, बैकग्राउंड को जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग का देखिए पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है फोटो में, गजब का लुक आ जाता है। सो दोस्तों, इतना करना, सिंपली आप लोग को डन करके फिर से आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा, इनहेंस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इनहेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अमाउंट को जीरो कर देंगे, सेचुरेशन पे क्लिक करके सेचुरेशन को आप लोग को हल्का सा बढ़ा लेना होगा, तो 74+ इनहेंस यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, तो इसको आप लोग को जीरो ही रखना होगा, यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना तो आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि एक एक स्टेप आर्टिस्ट भाई सिखाता है, एंड आर्टिस्ट भाई का कोशिश यही रहता है कि बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोग को एडिटिंग सिखा दूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना करें, सिंपली आप लोग फिर से टूल्स वाला आइकन पे आ जाएगा, एंड टूल्स वाला आइकन पे आने सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को एडजस्ट, फिर से आप लोग एडजस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, कंट्रास्ट पे क्लिक करके कंट्रास्ट को हल्का सा आप लोग को बढ़ा देना होगा, तो यानी मतलब हम लोग 40 बढ़ा देंगे ताकि हम लोग के फोटो में ना क्वालिटी आ जाए मेरी जान। सो दोस्तों, इतना करना, सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, डन करना, सिंपली यहाँ देखिए डाउनलोड वाला ऑप्शन रहता है, उस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग का फोटो सेव हो जाएगा गैलरी में, एंड यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, ओके। बैक आने के बाद जो भाई आर्टिस्ट भी बताता है ना भाई, ओपन कोई बताना नहीं चाहता है, ठीक है ना, आर्टिस्ट भाई ओपनली बताता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा मेरा फोटो, जिस फोटो को मैं शेयर किया हूँ, सेव किया हूँ, सॉरी, PicsArt मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर से। अब आप लोग को क्या करना होगा, शेयर पे क्लिक कर देना होगा, फिर से इस फोटो को आप लोग को पता है कहाँ पे शेयर करना है मेरी जान, स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लेकर के आ चुके हैं स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक प्लस आइकन है, ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा इसका क्या काम है, एंड बगल में 3 डॉट बिंदु है, इसका भी बताऊंगा क्या काम है। तो यहाँ पे आप लोग को पॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। सो दोस्तों, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के फोटो में हल्का सा शार्पनेस आ जाएगा HDR की तरह। सो दोस्तों, इतना करना, सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा बिफोर एंड आफ्टर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना करना, सिंपली आप लोग फिर से टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा, एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पोर्ट्रेट, ओके मेरी जान, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे चले जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी जान, जिस जिस भाई को सीखना होगा ना, सिर्फ वही आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आर्टिस्ट भाई रियल तरीका सिखाता है फोटो एडिटिंग। सो दोस्तों, यहाँ पे Combo 1 Combo 2 Combo 3 है, तो यहाँ पे Combo 2 पे हम लोग सेलेक्ट करके सिलेक्शन पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इसको 0, एंड स्किन स्मूथनिंग है, इसको आप लोग 100+ करेंगे। जैसे 100+ करेंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर स्मूथनेस आ जाएगा मैक्सिमम 10%। सो दोस्तों, इतना करो, सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं आप लोग बताता हूँ ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोग को यूज कर लेना होगा, यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, एंड फोटो को मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ आप लोग को कि फोटो में कितना गजब का मैं लुक डाल दिया हूँ, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, एंड उतना भी अभी मैं नहीं डाला हूँ जितना आप लोग चाहते हैं, अपने फोटो बनाना चाहते हैं। सो दोस्तों, इतना करें, सिंपली आप लोग फिर से टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा, एंड यहाँ पे ब्रश डिटेल्स ट्यून इमेज, ठीक है, तो ट्यून इमेज पे क्लिक कर देंगे, एंड एम्बिएंस को हल्का सा डाउन कर देंगे, ठीक है, 34 माइनस, हाईलाइट्स को हल्का सा माइनस कर देंगे तो मैक्सिमम 6, शैडो को हल्का सा बढ़ा लेंगे मैक्सिमम 40 41+, यहाँ से डन कर देंगे, फिर से टूल्स वाला आइकन पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ब्रश बहुत सारा टूल्स मैं बार बार कह रहा हूँ मिल जाएगा, ओके। तो अब आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली दोस्तों आप लोग आ जाइएगा डिटेल्स वाला ऑप्शन पे, एंड शार्पनिंग को मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को 100+ कर देना होगा ताकि फोटो में और गजब का लुक आ जाए।
सो दोस्तों इतना करना, सिंपली देखिए मैं फोटो का क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। भाई इतना आसान तरीका कोई नहीं बताता है मेरे जान, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है, जिस भाई को सीखना होगा ना मेरे जान, सिर्फ वही आप लोग वीडियो को देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर। एंड अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो को ना मेरे जान शेयर कर लीजिएगा आप लोग डायरेक्ट लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं फटाफट शेयर कर लेता हूँ एंड आप लोग को भी शेयर कर लेना होगा। ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइटरूम फिनिश। तो यहाँ पे ऑल फोटोज पे आ जाएंगे एंड हम लोग का ओरिजिनल फोटो मिल गया। एंड जो भी आप लोग देखिए सोच रहे होंगे यार आर्टिस्ट भाई आपका तो फेस येलो टोन में है, गोरा कैसे करते हो, व्हाइट कैसे करते हो, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से, वीडियो बने रहिएगा, ठीक है ना। फोकस कीजिएगा कैसे मैं फेस को एडजस्ट करता हूँ। सबसे पहले कलर एंड सबसे पहले हम लोग येलो टोन हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ग्रीन टोन को सैचुरेशन माइनस कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे लिमिनस को माइनस कर देंगे एंड यहाँ से देख सकते हैं लिमिनस को प्लस में रखेंगे, सैचुरेशन को माइनस, फिर से इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड लिमिनस को आप लोग को 30 कर देना होगा एंड यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। एंड फोटो में क्वालिटी देखिए अभी उतना भी नहीं आया है जितना मैं सिखाना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। एंड अभी हम लोग के फेस के ऊपर ना भाई रेड टोन अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इंसोलेशन पे आ जाइएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से देखिए रेड टोन, इसको आप लोग प्लस में करेंगे तो ज़्यादा लाइट आएगा फेस के ऊपर। सेचुरेशन को बढ़ाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोटो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। माइनस में करेंगे तो क्योंकि एक टोन डालना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी मतलब एक कोई सा भी टोन अप्लाई करना फेस के ऊपर जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से सेचुरेशन का 28 कर दिया एंड इसका ह्यू, ठीक है, ह्यू आप लोग देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग 5 यानी मतलब 7 ही रखेंगे। यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, फिर से आप लोग इस सोल्यूशन पे आ जाइएगा, नोइज रिडक्शन को 100+ सिर्फ आप लोग कीजिएगा, इस सोल्यूशन पे आ जाइएगा, ब्लेस को माइनस, व्हाइट्स को भी माइनस, शेडो को हल्का सा बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स को आप लोग को मैक्सिमम 10 कर देना होगा, ओके। इतना करना, सिंपली इस फोटो को आप लोग को फिर से शेयर कर लेना होगा, पता है कहाँ पे मेरी जान, स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं फटाफट शेयर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको स्मूथ करने पे आप लोग स्मूथ करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा ब्लैक आएगा, ठीक है, एंड उसी को मैं स्मूथ करूंगा ना, तो देखिए भाई 1% ब्लैक आने का कोई चांस नहीं रहेगा मेरी जान, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट है सिलेक्टिव, तो सिलेक्टिव का हल्का सा ब्राइटनेस अप्लाई करेंगे ताकि और ज़्यादा एडजस्ट हो जाए। इतना करना सिंपली, अब आप लोग को क्या करना होगा मेरी जान, मैं चाहता था तो स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही फेस को स्मूथ कर देता, लेकिन परफेक्ट नहीं होता है मेरे जान। आर्टिस्ट भी बताएगा कि ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर एक हाई क्वालिटी फेस स्मूथ कैसे करेंगे, ठीक है ना भाई, फुल एचडी हाई क्वालिटी। सो दोस्तों इतना करना सिंपली, इस फोटो को आप लोग को सेव कर लेना होगा गैलरी में एंड फोटो सेव करने बाद यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, बीच से गैलरी ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखिए जिस फोटो को मैं शेयर किया वो फोटो आ गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ना शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लेकर के आ चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड सबसे मेन पॉइंट है भाई लिपस्टिक लगाना, ठीक है। जब हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं ना मेरी जान, तो फोटो के ऊपर एक गजब का टोन आ जाता है, गजब का लुक आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कलर सेलेक्ट कर लिए एंड ब्रश एंड इस ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड लिपस्टिक लगाने वाला ब्रश यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड लेयर पे क्लिक कर देंगे नॉर्मल एंड यहाँ से आप लोग को सॉफ्ट लाइट। एंड आप लोग को विश्वास नहीं होगा ना, अभी देखिए फोटो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, जैसे हम लोग लिपस्टिक को अप्लाई करेंगे भाई गजब का फोटो में एक लुक अलग आ जाता है, ठीक है ना भाई। ये आर्टिस्ट भाई का एक्सपीरियंस भाई 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना भाई, क्योंकि भाई फोटो एडिटिंग करके मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ एंड अभी भी बहुत कुछ करना है। एंड आर्टिस्ट भाई का अब गाना भी आ रहा है मेरी जान, एक मैं गाना गाया हूँ जिसपे 6 लाख व्यूज आ चुका है। सब आप लोग का सपोर्ट प्यारे एंड इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो चुका है एंड यूट्यूब चैनल पे भी कमिंग सून है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं आप लोग को सब्सक्राइबर नहीं बड़ा भाई, भगवान पर मानता हूँ एंड जब भी मैं फोटो एडिटिंग सिखाता हूँ तो मैं आप लोग को भैया समझ के सिखाता हूँ, परिवार समान समझ के सिखाता हूँ, क्योंकि भाई फैमिली लेकर के चलना पड़ता है मेरे जान, ठीक है। मैं आप लोग को सब्सक्राइबर कभी नहीं माना, फॉलोअर नहीं माना, माना हूँ तो हमेशा भगवान बड़े भैया माना हूँ एंड भाई फैमिली लेकर के चलते हैं भाई, तो आप लोग से झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल रियल तरीका सिखाते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जान कितना अच्छे तरीके से एंड सॉरी मेरी जान, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग क्या करना होगा, पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा एंड फेस को स्मूथ कैसे करना चाहिए मेरी जान बिल्कुल हाई क्वालिटी फुल एचडी में। तो आर्टिस्ट भाई देखिए यहाँ पे बहुत सारा आप लोग को यूट्यूबर लोग बताएंगे भाई ये वाला ब्रश यूज कर लो अच्छे से स्मूथ करना आ जाएगा, लेकिन आर्टिस्ट भाई बताने वाला जो उसको अच्छे से आप लोग फोकस कीजिएगा, 22 फॉलो कर रखिएगा, स्टैंड को 19, फोटो को जूम कर लेंगे एंड आप लोग ओरिजिनल फोटो पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना जी। जैसे आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लोग का पूरा फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो मैं थंबनेल में दिखाया था सेम उसी तरीके से आप लोग का फोटो बन करके तैयार हो जाएगा। सो दोस्तों हाँ एक मैं आप लोग से बात बताना चाहता हूँ एंड अगर आप लोग मेरे सॉन्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भक्ति सॉन्ग आने वाला है आर्टिस्ट भाई का, बहुत जल्द रिलीज कर देंगे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए होंगे फटाफट फॉलो कर लीजिएगा।
और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मैं अपने फेस को स्मूथ कर दिया हूँ। ठीक है, आशा करते हैं मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग डाटा से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो आज करने के थैंक यू सो मच मेरे जान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड जय हो सिद्ध बाबा।